नमस्कार। लुब्रिकेंट एडिटिव्स के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी मॉडिफायर्स और पोर पॉइंट डिप्रेशन के बारे में। विस्कोसिटी मॉडिफायर और पोर पॉइंट डिप्रेशन दोनों लगभग लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं, और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स जो है हाई टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट को काम करने में हेल्प करते हैं, और पोर पॉइंट डिप्रेशंस लो टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट को काम करने में हेल्प करते हैं। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए विस्कोसिटी मॉडिफायर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो विस्कोसिटी इज़ द फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, राइट। जैसे ये मान लीजिए ये बेस है, फ्लूइड लेयर्स में फॉलो करते हैं, इन लेयर्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। अगर इंटरेक्शन इन फ्लूइड्स के इन लेयर्स के बीच में कम हो जाएगी तो विस्कोसिटी भी है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। विस्कोसिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लोड बेयरिंग कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी किसी लुब्रिकेंट की होगी उतनी ज़्यादा उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगी। अगर विस्कोसिटी इसकी कम हो जाती है तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाती है, राइट। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ठीक है कोई लुब्रिकेंट काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है, इसकी विस्कोसिटी ठीक है। हायर टेम्परेचर पे रेट इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ विस्कोसिटी जो है लुब्रिकेंट की कम होनी शुरू हो जाती है। रीज़न उसका ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, लेयर्स के बीच में इंट्रैक्शन कम हो जाती है, अल्टीमेटली विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स इसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑयल विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इज नोन एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। जैसे यहाँ पे आप लुब्रिकेंट वन देखिए, लुब्रिकेंट वन की 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी है, राइट, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी विस्कोसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा कम हो जाती है। अब लो विस्कोसिटी किसी भी ऑयल की हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे सबसे पहला नुकसान ये होता है कि वो अपने लुब्रिकेंट एक्शन को, उसका लुब्रिकेटिंग एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का। कैसे, लो विस्कोसिटी जब होगी तो ऑयल की थिनिंग हो जाएगी। अब थिनिंग मैंने कहा जैसा आपका कि वो अपनी विस्कोसिटी लूज़ कर देगा, ऑयल थिनिंग हो जाएगी। ऑयल थिनिंग जब हो जाएगी तो एक पर्टिकुलर लोड पे अगर आप ऑयल जो है बहुत ही थिन हो जाएगा तो वो उस लोड को बियर नहीं कर पाएगा और मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट जो है वो हो जाएगा। अल्टीमेटली जो लुब्रिकेटिंग फिल्म है, जो लुब्रिकेटिंग फिल्म मेटल और मेटल को एक दूसरे से, एक ये मेटल ये है मान लीजिए, दूसरी मेटल ये है, तो लुब्रिकेटिंग फिल्म इसको अलग करके रखती है, राइट। तो जब लुब्रिकेटिंग फिल्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो वेल्डिंग जंक्शन हो सकते हैं और कई डिसएडवांटेज, वेयर एंड टेयर हो जाएगा, अल्टीमेटली मशीन फेलियर हो सकता है अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके लुब्रिकेटिंग की ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए हमें हायर टेम्परेचर पे यूज़ होने वाले लुब्रिकेंट्स में विस्कोसिटी मॉडिफायर्स को ऐड किया जाता है। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स को विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर्स भी बोला जाता है। ये जो है हायर टेम्परेचर पे विस्कोसिटी इंडेक्स जो है ये हायर टेम्परेचर पे किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल को थिन नहीं होने देते हैं, उनकी विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखते हैं ये विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। तो विस्कोसिटी मॉडिफायर्स दीज आर बेसिकली पॉलीमर्स इन नेचर, दीज आर पॉलीमेरिक इन नेचर। और पॉलीमर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ मैनी सब यूनिट्स, इनकी बहुत छोटी छोटी सब यूनिट्स होती हैं, राइट। और जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स आज अ विस्कोसिटी मॉडिफायर्स यूज होते हैं वो हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, पॉली मिथाइल एक्राइलेट्स, पॉली आइसोब्यूटाइलिन, पॉली एक्राइलेट्स, पॉली ब्यूटाइलिन एंड पॉली मिथ एक्राइलेट्स, स्टाइरिन को पॉलीमर्स भी इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एज अ विस्कोसिटी मॉडिफायर यूज किए जाते हैं, राइट। तो अब हमें अपना एम क्लियर हो गया। एम हमारा ये है कि ये जो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल की कम हो रही है, ये विस्कोसिटी हमने बढ़ानी है, ये विस्कोसिटी हमने कम होने देनी नहीं है, ये विस्कोसिटी जो मॉडिफायर्स का मेन एम है, राइट। एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स आर कंपोज ऑफ मेनी सब यूनिट्स, दो सब यूनिट्स आर नोन एज मोनोमर्स, उनको मोनोमर्स बोलते हैं। जैसे हम पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट मैंने यहाँ पे बनाया है, तो पॉली मिथ एक्राइलेट का जो मोनोमर है वो है मिथ एक्राइलेट, राइट। इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये एक्राइलेट फंक्शनल ग्रुप है COOCH3, राइट, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। जब ये मोनोमर पॉलीमराइज करता है, देखिए वन मोनोमर, एक मोनोमर की यूनिट ये है, बाकी मोनोमर की यूनिट्स ये हैं, इस तरह से कई मोनोमर जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तब बन जाता है पॉलीमिथाइल मिथैक्राइलेट, राइट। और इस मिथैक्राइलेट के 200 से लेके 2000 सब यूनिट्स वो अटैच होके तब जाके एक पॉलीमिथ एक्राइलेट का जो
पॉलीमर है वो बनता है। देखिए ये मैंने एक लॉन्ग चेन बनाई हुई है, इस लॉन्ग चेन में ये जो सर्कल बनाए हुए हैं मैंने पिंक कलर में, हर सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक मोनोमर मॉलिक्यूल को। तो 200 से लेके 2000 तक मोनोमर मॉलिक्यूल इसमें अटैच हो जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो पॉलीमर है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ही हाई होता है इन कंपेरिजन टू द लुब्रिकेटिंग ऑयल, राइट। अब बात करते हैं कि ये विस्कोसिटी मॉडिफायर्स लुब्रिकेटिंग ऑयल में काम कैसे करते हैं, राइट। तो पॉलीमर्स को शो करने के लिए ये देखिए, ये एक मोतियों की माला है इसको बोल सकते हैं। तो हर मोती जो है इसमें एक मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर मोती एक मोनोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और जब हमने इस एक चेन में इसको पिरो दिया तो ये बन गया पॉलीमर। तो 200 से लेके अगर हर मोनोमर जो है ये मिथाक्राइलेट है, ये हर मोती जो है मिथाक्राइलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर 200 से लेके 2000 मिथाक्राइलेट मॉलिक्यूल्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो ये एक पॉलीमर बन जाएगा, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि विस्कोसिटी मॉडिफायर्स काम किस तरह से करते हैं। तो विस्कोसिटी मॉडिफायर्स जब लो टेम्परेचर में आप इस पॉलीमिथाक्राइलेट को आप लो टेम्परेचर में लुब्रिकेंट के अंदर डालते हैं तो ये कॉइल्ड स्टेट में रहता है। ये देखिए जिस तरह से ये चेन इस टाइम एक कॉइल्ड स्टेट में है, लो टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट के अंदर पॉलीमिथाक्राइलेट कॉइल्ड स्टेट में रहता है, उसकी वजह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे ये फ़र्क नहीं डालता है लेकिन इसकी फ्लोएबिलिटी को ये बढ़ा देता है। मतलब एक तरह से जो इसका फ्लो करेक्टरिस्टिक्स है उसको इम्प्रूव ही करता है लो टेम्परेचर के ऊपर, राइट। अब देखिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने शुरू होने के साथ साथ ये जो लुब्रिकेंट मॉलिक्यूल मैंने ग्रीन कलर में शो किए हैं, इन लुब्रिकेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनमें इंटरेक्शन कम होगी और इनकी विस्कोसिटी जो है, ये देखिए लुब्रिकेंट वन यहाँ पर इनकी विस्कोसिटी जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल कॉइल्ड स्टेट में यहां प्रेजेंट है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये अनकॉइल होना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये अनकॉइल्ड पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है, जब ये अनकॉइल होना शुरू हो जाता है तो ये इस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी को कम होने नहीं देता है, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि लो टेम्परेचर पे जो विस्कोसिटी मॉडिफायर है वो कॉइल्ड स्टेट में रहता है और हाई टेम्परेचर पे जब इसकी अनकॉइलिंग हो जाती है तो इन लेयर्स के बीच में इंटरेक्शन को ये बढ़ा देता है और विस्कोसिटी को कम होने नहीं देता। विस्कोसिटी कम नहीं होगी तो आपके ऑयल थिनिंग नहीं होगी, ऑयल थिनिंग नहीं होगी तो लुब्रिकेंट फिल्म जो है वो मेंटेन रहेगी, वो लोड को बियर कर पाएगी, फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगी, अल्टीमेटली मशीन फेलियर नहीं होगा, राइट। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट विस्कोसिटी मॉडिफायर्स दे हेल्प द लुब्रिकेंट टू एक्ट इफेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर विदाउट लूजिंग देयर विस्कोसिटी, राइट। अब बात करते हैं आगे कि विस्कोसिटी मॉडिफायर्स को यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन आप विस्कोसिटी मॉडिफायर्स की यूज़ करेंगे उतना बेटर ये एक्ट करते हैं। ये बैकबोन जो चेन जो है बैकबोन इसकी जितनी लंबी हो, जैसे मैंने आपको कहा कि 200 से लेके 2000 मिथाक्राइलेट को मोनोमर आप अटैच कर सकते हैं, तो अगर आप 2000 मैक्सिमम मॉलिक्यूल मिथाक्राइलेट के लगा रहे हैं, जितनी लॉन्गर चेन है उतना बेटर ये विस्कोसिटी मॉडिफायर होगा। जब चेन लॉन्गर होगी तो ऑटोमेटिकली इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा, तो ये एक अच्छा विस्कोसिटी मॉडिफायर एक्ट कर सकता है। इन दिस वे हम एक किसी भी पर्टिकुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल की, जैसे अगर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल वन यहाँ पे देखें, एक लुब्रिकेटिंग ऑयल वन जो है वो हायर टेम्परेचर पे अपनी विस्कोसिटी लूज कर रहा है, उसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए हायर टेम्परेचर पे आप पॉलीमिथाक्राइलेट जैसे विस्कोसिटी मॉडिफायर्स डाल सकते हैं और सो दैट कि ये हायर टेम्परेचर पे अच्छे से काम कर सके। तो विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर्स को या विस्कोसिटी मॉडिफायर्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल्स में, गियर ऑयल्स में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड्स में, पावर स्टेयरिंग फ्लूइड में, ग्रीसेस में और कुछ हाइड्रोलिक फ्लूइड में भी इनको यूज़ किया जाता है, राइट। अब अगला टॉपिक है हमारा पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स। तो पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स का जो एक्शन है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स हेल्प करते हैं लुब्रिकेंट्स को लो टेम्परेचर पे काम करने के लिए, राइट। अब वहीं से हम शुरू करते हैं कि पहले हमने हायर टेम्परेचर पे गए कि हायर टेम्परेचर पे जो है आपका लुब्रिकेंट जो है वो
थिन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ऑटोमेटिकली लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बढ़ने के साथ साथ कुछ और प्रोसेस जो है उस लुब्रिकेंट में शुरू हो जाती हैं, राइट। अब देखिए ये लुब्रिकेंट है जो फ्लो कर रहा है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, ये फ्लो कर रहा है, राइट। जैसे आप टेम्परेचर कम करना शुरू करेंगे तो इन ये जो लुब्रिकेंट है ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का बना है, तो कुछ हाइड्रोकार्बन के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ के क्रिस्टल बन जाते हैं हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के, और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ऑयली स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। तो इस पॉइंट पे आपका जो लुब्रिकेंट है वो क्लाउडी या हेजी अपीयर होना शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्लाउड पॉइंट, राइट। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम कर रहे हैं तो लुब्रिकेंट पे क्या असर उस चीज़ का होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि क्लाउड पॉइंट होता है जहाँ पे आपका लुब्रिकेंट जो है हेजी अपीयर होना शुरू होता है। इस पॉइंट पे जो है लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन लुब्रिकेंट अभी फ्लो कर रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आप टेम्परेचर को और कम कर देते हैं तो ये जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं ऑयल मॉलिक्यूल्स के, अब यहाँ पे तो कुछ लिक्विड स्टेट में है, कुछ क्रिस्टल फॉर्म में है, तो ये क्लाउडी सा है, राइट। लुब्रिकेंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर और कम कर देंगे ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक लैटिस स्ट्रक्चर जो है ये बना देते हैं। जब लैटिस स्ट्रक्चर इसका बन जाता है तो लुब्रिकेंट मूव करना स्टॉप कर देता है, लुब्रिकेंट मूवमेंट जो है इस टेम्परेचर पे जो है वो स्टॉप हो जाती है, राइट। तो इस वो टेम्परेचर जहाँ पे लुब्रिकेंट मूवमेंट स्टॉप हो जाती है उससे लगभग लगभग 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक आपका लुब्रिकेंट जो है वो मूव करता रहता है, और वो पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं पोर पॉइंट, राइट। कि जैसे अब मल्टीग्रेड इंजन ऑयल का पोर पॉइंट है -35 डिग्री सेल्सियस की, -35 डिग्री सेल्सियस तक आपका मल्टीग्रेड इंजन ऑयल जो है मूव करता रहेगा, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी थोड़ी बहुत लेकिन वो मूव करता रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पे काम करना है तब आप क्या करेंगे, तब आप ऐड करेंगे पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स, कि जो कि मैंने आपको पहले कहा कि पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स हेल्प करते हैं किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल को लो टेम्परेचर कंडीशंस में काम करने के लिए, राइट। तो ये क्या करेंगे, किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का पोर पॉइंट जो है वो अगर -35 डिग्री सेल्सियस है तो उसको -40, -45 या -50 डिग्री सेल्सियस तक भी उसका पोर पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर देंगे, उसकी वजह से वो लोअर टेम्परेचर में भी आपका इंजन ऑयल जो है वो फ्लो कर सकता है बड़े अच्छे से। अब ये किया कैसे जाता है, ये उसी तरीके से किया जाता है, उसी चीज तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए मूवमेंट आपके लुब्रिकेंट की किस वजह से स्टॉप हुई, क्रिस्टल फॉर्मेशन से, राइट। जब लैटिस स्ट्रक्चर बन गया, क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई, लैटिस स्ट्रक्चर बन गया, तब आपके लुब्रिकेंट की मूवमेंट स्टॉप होगी। अगर हम इस क्रिस्टल इन क्रिस्टल्स को बनने से रोक दें या इन क्रिस्टल्स की इतनी प्रॉपर शेप ना हो पाए कि एक दूसरे से अटैच होकर एक लैटिस स्ट्रक्चर बना पाए, राइट, तो हम जो है उस लुब्रिकेंट की मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। उसके लिए तो उस इन क्रिस्टल की एक इस लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को रोकने के लिए पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लुब्रिकेंट में ऐड किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से एक नॉर्मल टेम्परेचर से जब आपका टेम्परेचर कम हो रहा है तब आपने पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल इसके अंदर डाले हुए हैं, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल जब आपने इसके अंदर डाले हुए हैं तो इन लुब्रिकेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो है वो डिफर कर जाती है, क्योंकि आपके लुब्रिकेंट के मॉलिक्यूल जो हैं इन एल्काइल चेन्स की, पॉलीमर की एल्काइल चेन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। उसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन में दिक्कत होती है। जब क्रिस्टल फॉर्मेशन में दिक्कत होती है तो लैटिस स्ट्रक्चर इतने आराम से नहीं बन पाता, तो लैटिस स्ट्रक्चर आराम से जब नहीं बन पाएगा तो आपके लुब्रिकेंट की मूवमेंट जो है वो होती रहेगी अप टू वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स, राइट। तो ये पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स आर बेसिकली पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स जिनको जब हम लुब्रिकेंट में डाला जाता है तो वो लुब्रिकेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन को चेंज करते हैं और क्रिस्टल फॉर्मेशन के प्रोसेस को मॉडिफाई कर देते हैं या कम कर देते हैं। जब क्रिस्टल फॉर्मेशन की प्रोसेस आपके लुब्रिकेंट में लोअर टेम्परेचर पे नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो मेंटेन रहेंगी, राइट। अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि जनरली जो आपके पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स यूज होते हैं वो होते हैं पॉली अल्काइल मिथाक्राइलेट्स, राइट। ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं आपके विस्कोसिटी मॉडिफायर्स से, पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। देखिए
पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं ये, राइट, ये इसका मोनोमर मॉलिक्यूल है, अल्काइल मिथ एक्राइलेट, और जो हमने विस्कोसिटी मॉडिफायर यूज़ किया था वो था पॉलीमिथ एक्राइलेट। अब इसमें क्या है, इसमें जो डिफरेंस है वो है इस आर ग्रुप में, ये जो अल्काइल चेन यहाँ पे लगी है ये पोर पॉइंट डिप्रेसेंट में, दिस अल्काइल चेन इज कंपेरेटिवली वेरी लॉन्गर इन कंपेरिजन टू द विस्कोसिटी मॉडिफायर। देखिए अल्काइल मिथ एक्राइलेट के मॉलिक्यूल, जब वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स ये इस तरह से मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमेरिक चेन, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और इसमें जो आर ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसकी चेन लेंथ कार्बन 1 से लेकर कार्बन 22 तक होती है। जनरली लॉन्गर चेन लेंथ का अल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेफर किया जाता है। वो चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर शो की हुई है, ये जो बैकबोन चेन है ये मिथ एक्राइलेट की बैकबोन चेन है, और ये जो अल्काइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है इसकी 22 तक चेन लेंथ जो है वो हो सकती है। उसकी वजह से क्या है कि बड़ा ही डिस्पर्स्ड है लुब्रिकेटिंग ऑयल के बीच में, उसकी वजह से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन को ये अल्काइल चेन जो है ये रोक देती है। ये देखिए ये इंटरेक्शन को ये अल्काइल चेन रोक रही है, अल्टीमेटली क्रिस्टल फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये हिंडर करता है, और पोर पॉइंट जो है किसी भी लुब्रिकेंट का वो बहुत ही नीचे चला जाता है, राइट। तो एक जो अच्छा पोर पॉइंट डिप्रेसेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर वेट कम होने के लिए ये जो चेन लेंथ है, बैकबोन की चेन लेंथ है, ये कम होनी चाहिए। अब मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि इसकी बैकबोन की चेन लेंथ तो कम होनी चाहिए, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप है वो जितना लंबा हो उतना सही रहता है, राइट। दूसरा पॉइंट है पोर पॉइंट डिप्रेसेंट जितनी कम कंसेंट्रेशन में यूज़ करें उतना अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट जो है पॉलीमर्स विस्कोसिटी पे डालते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। तो जितनी कम लोअर टेम्परेचर पे जितनी कम कंसंट्रेशन में उसका यूज करें उतना अच्छा पोर पॉइंट डिप्रेसेंट वो होता है, राइट। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसकी जो अल्काइल चेन है वो जितनी लंबी हो विद लेस ब्रांचिंग उतना अच्छा एक पर्टिकुलर पोर पॉइंट डिप्रेसेंट जो है वो एक्ट करता है, राइट। सो दिस इज हाउ पोर पॉइंट डिप्रेसेंट हेल्प्स टू डिक्रीज और डिप्रेस द डिक्रीज और डिप्रेस द पोर पॉइंट, राइट। और ये जो मल्टीग्रेड इंजन ऑयल को है या किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल को फर्दर लोअर टेम्परेचर तक काम करने के लिए एक्टिवेट करते हैं, और लोअर टेम्परेचर पर किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी को मेंटेन रखते हैं और उसकी फ्लुएबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। लास्टली थोड़ा सा मैं एक कंपैरिजन आपको बताना चाहूँगा पोर पॉइंट डिप्रेसेंट और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स के बीच में। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों एक्राइलेट के ही मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए ये भी एक्राइलेट का पॉलीमर है, ये भी एक्राइलेट का पॉलीमर है, राइट। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि देखिए कि सबसे पहला फ़र्क ये है कि पोर पॉइंट डिप्रेसेंट जो है लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, कि इनका बैकबोन जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता। लेकिन जो आपके विस्कोसिटी मॉडिफायर्स है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं। 2000 तक मोनोमर मॉलिक्यूल्स इसमें यूज़ किए हैं। इसमें मोनोमर मॉलिक्यूल जितने कम यूज़ करें उतना अच्छा रहता है। स्मॉल बैकबोन इसकी होती है और इसकी लॉन्ग बैकबोन होती है, और लो कंसंट्रेशन में इनको यूज़ किया जाता है, इनको हाई कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है। और सबसे मेजर पॉइंट है इनकी अल्काइल चेन, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन यहाँ पे शो किया है कि आप ये देखिए कि पोर पॉइंट डिप्रेशन में जो साइड अल्काइल चेन है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन विस्कोसिटी मॉडिफायर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर पॉइंट डिप्रेशन एंड विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स हेल्प करते हैं किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल को हायर टेम्परेचर पे अपनी विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए, विस्कोसिटी कम नहीं होती है व्हेन यू ऐड विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। और पोर पॉइंट डिप्रेसेंट जब आपने ऐड किए होते हैं किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल में वो तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल की फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं लोअर टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोक देता है। थैंक यू सो मच। बाकी के जो एडिटिव्स हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।